तो फ्रेंड्स 2021 के जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले जो फ़ोन रहे हैं, मैं सैमसंग और वीवो में बताने वाला हूँ। खैर ओप्पो भी ऐड कर सकते थे फिलहाल, जो सैमसंग और वीवो का बता रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको 15.5 से स्टार्ट लेके 23,500 तक आता है, ठीक है। ये 20,000 का है, पर आप कौन सा वेरियंट लेते हो उसके हिसाब से रहता है। तो A12 इसकी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा सेल हुआ है डिस्प्ले के कारण, ठीक है। अगर इसकी करते हैं तो ये 5G आ जाता है और डिस्प्ले क्वालिटी, तो खैर सैमसंग की ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, आजकल सारे फ़ोन अच्छे ही आते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो इसके ये 5G है, ये 4G है, ये 4G है, ठीक है। अब आते हैं वीवो में, ठीक है। वीवो में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले फ़ोन रहे हैं वो रहा है Y21, ठीक है, Y33S और Y73 थोड़ा ज़्यादा सेल हुआ है, और ओवरऑल पैकेज में इसमें आपको बजट में सारा कुछ मिल जाता है। ये भी आपको सेम रेट में मिलता है 14,000, इसका वेरिएंट ऊपर नीचे जो होगा उसके हिसाब से प्राइस भी हो जाएगा। ये आपको मिल जाता है, ये आपको 19,000 के आसपास मिलता है, और ये आपको 23 इसके आसपास मिलता है, 23,000 के आसपास मिल जाता है, ठीक है। 21,000 का है, सॉरी, ये 21,000 का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो ऑफलाइन मार्केट में फ़ोन बिके हुए हैं इनकी मोस्टली सेल ज़्यादा हुई है, बाकी अगर आपने लेना है तो आप वेट कर लेते हो, 2-3 दिन में न्यू ईयर का ऑफ़र आएंगे तो आप उसके हिसाब से ही परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो ऑफलाइन में, अगर ओप्पो की बात करते हैं तो ओप्पो में भी कुछ फ़ोन ऐसे हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वीडियो थोड़ी लेट हो रही है उसके लिए सॉरी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि कौन से फ़ोन, अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि अगर 15,000 की रेंज और 22-23,000 की रेंज में लेना तो कौन सा लेना है, तो अगर सैमसंग की बात करते हैं तो आप A12 देख सकते हो, A22 5G देख सकते हो, A32 देख सकते हो, ठीक है। बाकी लुक वाइज आप चेक कर सकते हो, ये जैसा है A32 ऐसा ही है, सेम देखने को मिलेगा। इसमें कलर आपको मिल जाएगा, इसमें भी कलर देखने को मिलेगा, इसमें भी कलर देखने को मिल जाएंगे। अगर वीवो की बात करते हैं तो वीवो में मैंने इन सब के ऊपर कंपेरिजन और वीडियो सारी बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलो अब करते हैं वीडियो का एंड। तो फ्रेंड्स फाइनली ये जो मैंने अभी सेटअप दिखाए हैं ये मोस्टली सबसे ज़्यादा सेल होने वाले सेट है इस साल के, ठीक है। और कोई मतलब कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट कैमरे की या जो आप रैम चाहते हो, चलो आप चाहते हो गेमिंग, उसके हिसाब से आप अपना फ़ोन देख सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। इनका कंपैरिजन मैंने मोस्टली सबके साथ किया है। अगर आपने परचेज़ करना है तो लक्की स्माइल शॉप का लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से परचेज कर सकते हो। अगर चला के देखना वो भी देखने को मिल जाएगा, तो ना एक फील लेके फिर परचेज़ करना बात अलग होती है, तो आ सकते हो आप, शॉप लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज वाली हो, तो लाइक कर देना। वैसे मेरे यही रहेगा हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, और न्यू ईयर के ऑफर आएंगे तो वहाँ पे आपको 1,000 रुपये 500 रुपये ऐसे डिस्काउंट तो नॉर्मली मिलेगा, तो मे भी अगर आप 1-2 दिन के बाद ट्राई करते हो तो फायदा रहता है, आके आप देख सकते हो, ठीक है। तो बस, और हाँ, आप आगे अभी ट्राई कर सकते हो, इसके ऊपर को क्या पता ऑफर अभी चल रहा हो, मुझे वो चीज़ अभी पता नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, आप आते हैं मेन काम पे। यदि आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, कैसे खरीदें आपको नहीं पता, और कम से कम आप 100 रुपये का खरीद सकते हो, खरीदना कैसे है, प्ले स्टोर से BZRX एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना होगा, सबसे पहले मेल, फिर पासवर्ड, फिर पासवर्ड, फिर रेफर कोड लिखा होगा वहाँ पे, आप डाल सकते हो 686YNTHQ जो कि इधर उधर पॉपअप हो रहा होगा। उसके बाद आपको मेल आएगा BZRX की तरफ से, उसको मेल को वेरीफाई करना है, BZRX की तरफ से आएगा, उसको वेरीफाई करके वापस एप्लीकेशन पे आना है। एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है जिसके ऊपर गूगल पे पेटीएम चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करना है, बैंक को UPI वेरीफाई करके पैसे ऐड करके आप कॉइन खरीद सकते हो, बिटकॉइन, एथेरियम, डॉज, जो भी खरीदना आप खरीद सकते हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बस खरीदते समय ध्यान रखना है कि कॉइन एकदम पीक ना मारा हो, कॉइन हाई ना गया हो, जितना लो होगा, जितना नीचे परचेज करोगे उतना बेस्ट रहेगा। तो बस आज के लिए काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।